नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में संसद की सदस्यता से निष्कासित टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली कराने का आदेश दिया गया था। महुआ मोइत्रा ने इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी और इस मामले में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट की तरफ से टीएमसी नेता को फिलहाल कोई भी राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। महुआ मोइत्रा की याचिका पर जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में क्या करें। वहीं कोर्ट ने कहा कि टीएमसी नेता जो रिट याचिका दायर कर आदेश को चुनौती दी है, इसमें एक ये गुजारिश हो सकती है कि बंगला खाली करने के आदेश पर रोक लगा दी जाए। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट टीएमसी नेता के पक्ष में आदेश पर रोक लगाता है तो उनका निलंबन रुक जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर वो इस मामले पर कोई फैसला करता है तो ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर असर पड़ेगा। वहीं कोर्ट ने महुआ मोइत्रा के वकील से यह भी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद इस मामले पर 4 जनवरी को सुनवाई जरूर करेगा। वहीं कोर्ट ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा से निलंबन को चुनौती देने वाले मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं करेगा। वहीं सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा के वकील ने कहा है कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि टीएमसी नेता को लोकसभा चुनाव खत्म होने तक का समय दिया जाए और उन्हें 31 मई तक सरकारी बंगले में रहने की इजाजत दी जाए। और इस पर कोर्ट ने कहा है कि याचिका के सभी दलीलों पर 4 जनवरी को विस्तार से सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 4 जनवरी तक के लिए टाल दी है।